और अब बात उस खबर की जिसे देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। उदय निधि के बयान से शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को पूरे मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा है। वहीं प्रियांक खड़गे जैसे नेता कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी बयानों से कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व खतरे में है? சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் போட்டிருக்கிறீர்கள். Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. இந்திய கட்பந்தன் கா சனாதன விரோத் அப் சதஹ் பர் ஆ ரஹா ஹை. அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். தமிழ்நாடு கே சிஎம் ஸ்டாலின் கே பேட்டே கே ஜரியே சனாதன விரோதி சோச் சாம்னே ஆயி. லேகின் சவால் சிர்ஃப் ஏக் உதயநிதி கா நஹி, விபக்ஷி கட்பந்தன் மே கை கிர்தார் ஹை ஜோ தர்ம் விரோதி இந்தியா கட்பந்தன் கே சேஹரே கோ பேநகாப் கர் ரஹே. எனி ரிலிஜியன் தட் டஸ் நாட் promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion, according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Priyank aur Udhay Nidhi ne bayan de diya hai, ab jawab dena hai. जनेऊधारी, टीकाधारी राहुल गांधी, मंदिर मंदिर घूमकर खुद को सनातनी बताने वाले कांग्रेस के युवराज, जवाब सिर्फ राहुल गांधी को नहीं प्रियंका गांधी को भी देना होगा, जो माता के दरबार में बार बार हाजिरी लगाती, नर्मदा आरती के जरिए सियासी अभियान का शंखनाद करती। कटघरे में सिर्फ कांग्रेस का गांधी परिवार नहीं है। प्रियांक खड़गे ने इशारों इशारों में उदय निधि का समर्थन किया। बेटे का बयान अभी आया, लेकिन पिता और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दामन भी पाक साफ है। सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयान पर विवाद खड़ा हो गया। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब सवाल है कि क्या 2024 के पहले कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व खतरे में है? सनातन विरोधी फौज के साथ राहुल कैसे देंगे बीजेपी को टक्कर? हैरानी हो रही है, सनातन विरोध की एक ऐसी सियासत है, क्यों खुद के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ इस तरह से सफाई दे रही है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। सभी को विचार रखने का हक है, क्या इस सफाई से काम चल जाएगा? सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, इंडिया गठबंधन का हर किरदार कटघरे में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और रावड़ी देवी की सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं। आरजेडी की सनातनी भक्ति को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। बिहार वही राज्य जहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार मुस्लिम बहुल सीमांचल में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान करती है और छठ की छुट्टियों में कटौती करती है। अब उदयनिधि के बयान ने इंडिया गठबंधन नेताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी।